लड़कों जैसी बेटी अमित और सुषमा की एक बेटी थी, दिखने में बहुत सुंदर, और उसका नाम था रूपा। उसकी सुंदरता को देखकर ही सुषमा ने उसका नाम रूपा रखा था। लेकिन जैसे ही रूपा 3 साल की हुई और स्कूल जाने के लायक हुई, अमित के दिमाग में न जाने क्या सूझी कि उसने अपनी बेटी को लड़कों की तरह रखना शुरू कर दिया। अमित, क्यों इसे लड़कों के स्कूल में एडमिशन दिलवा कर आए हो? तो क्या हो गया, मेरी बेटी लड़की नहीं लड़कों की तरह बड़ी होगी। लड़कों की तरह रहेगी तो मजबूत बनेगी, लड़कियों की तरह रहेगी तो जिंदगी भर कमजोर रह जाएगी। अच्छा ठीक है, लड़कों के स्कूल में एडमिशन दिला दिया, वहां तक तो सही है, लेकिन आपने इसे स्कूल की ड्रेस भी लड़कों वाली दिलवाई है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी लड़कियों की तरह रहे। सीधी सी बात है, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आती क्या? अगले दिन शाम के वक्त, अमित आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए ना, तो चलिए कुछ शॉपिंग करके आते हैं। हाँ हाँ बताओ क्या चाहिए। वो मुझे ना रूपा के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे, और उसकी बर्थडे भी आ रही है, तो सोच रही थी एक अच्छा सा ड्रेस दिलवा देती हूँ। चलो ठीक है, हम साथ में चलते हैं। अमित और सुषमा एक शोरूम के अंदर पहुँचते हैं। आइए आइए भाई साहब, आइए बहन जी, ये है लड़कों का सेक्शन, यहाँ पर आपको लड़कों के कपड़े मिलेंगे। अरे भाई साहब, आपको गलत फहमी हुई है, हमारी बेटा नहीं बेटी है। लेकिन इसका हेयर कट और कपड़े देखकर तो मुझे लगा आपका शायद बेटा होगा। बिल्कुल लड़का, लड़के जैसा दिख रहा है ना, दिख रही है। जी नहीं, ये मेरी बेटी है और इसका नाम है रूपा। इसका नाम तो रूप से ही होना चाहिए था। चलिए जैसी आपकी मर्जी, वहाँ सामने की तरफ लड़कियों के कपड़े हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी पत्नी सही कह रही है, ये मेरा बेटा नहीं बेटी है, लेकिन इसके कपड़े हमें लड़कियों वाले सेक्शन से नहीं बल्कि लड़कों वाले सेक्शन से खरीदने हैं। वो क्या है ना, मेरी बेटी नहीं, ये तो मेरा बेटा है बेटा। सही कहा आपने, इसका नाम तो मुझे रूप से रखना चाहिए था। आप फिर से शुरू हो गए, आप समझते क्यों नहीं ये हमारी बेटी है, और जिस तरह से आप इसे रख रहे हैं ना, आगे चलकर बहुत परेशानी हो सकती है। तुम क्यों नहीं समझती, लड़कों की तरह पलेगी बढ़ेगी तो आगे जाकर जो परेशानियां लड़कियों के सामने आती हैं, वो इसके सामने नहीं आएगी। इसी तरह से वक्त बीतता जाता है। अब रूपा 10वीं क्लास में आ जाती है। एक दिन स्कूल में, जानती है रूपा, अपने साथ वो जो लड़का पढ़ता है ना अभिषेक, मुझे बहुत पसंद करता है। अच्छा क्या कहता है तुझसे? मुझसे कह रहा था कि उसको ना मेरे लंबे बाल बहुत पसंद है, और उस दिन जो मैं रेड कुर्ता पहनकर आई थी ना, मेरे बर्थडे वाले दिन, कह रहा था कि मैं उसमें बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन मुझसे तो कोई लड़का इस तरह की बातें करता ही नहीं। कैसे करेगा, तू तो खुद लड़कों जैसी नजर आती है, हमेशा पैंट शर्ट पहनकर घूमती है, और ये तेरे बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे, अरे तुझे देखकर तो पता ही नहीं चलता कि तू असल में लड़की है। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है ना, मुझे भी लड़कियों की तरह रहना है, मुझे भी सुंदर दिखना है। तो फिर तुम अपने बाल लंबे कर लो ना, लड़कियों वाले कपड़े पहनना शुरू कर दे, वैसे भी तू ना बड़ी सुंदर है, अगर एक बार लड़की बन गई ना तो कमाल की खूबसूरत लगेगी। रूपा धीरे धीरे खुद को लड़कियों की तरह महसूस करने लगी थी। वो अपने घर लौट कर आती है और अपनी माँ से जाकर बात करती है। मम्मी, मुझे आपसे बहुत शिकायत है, आपने मेरा ये क्या हाल बना दिया है, मुझे इस तरह लड़कों की तरह रखने की क्या जरूरत है? क्या बात है बेटा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मेरी क्लास में पढ़ने वाली लड़कियाँ इतनी खूबसूरत दिखती हैं, इतने अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं, और मैं यूनिफॉर्म भी पहनती हूँ तो लड़कों जैसी, क्यों माँ क्यों? इसमें तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है, मैं हमेशा से चाहता था कि तुम लड़कों की तरह रहो, और देखो तुम्हें देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि तुम मेरी बेटी हो या बेटा। लेकिन क्यों पापा, अगर मैं बेटी हूँ तो मुझे बेटी ही रहने देते ना, लड़कियाँ गुड़िया से खेलती है लेकिन आप मुझे गुल्ली डंडा खिलवाते हो, लड़कियाँ लंबे बाल रखती है, आपने मेरे बाल छोटे छोटे कटवा दिए हैं, मुझे क्रिकेट खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे झूला झूलना पसंद है, आप क्यों नहीं समझते पापा? बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझता हूँ, और वैसे भी ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर खर्चा नहीं करता, अच्छे कपड़े नहीं दिलवाता, बस लड़कियों की जगह लड़कों के कपड़े दिलवाता हूँ, सारी चीजें लड़कों वाली दिलवाता हूँ, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? देखिए ना माँ,
पापा तो कुछ भी नहीं समझते। मैं लड़की हूँ और मुझे लड़कियों की तरह रहने का मन करता है। मेरी सारी सहेलियाँ कहती हैं कि मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ। अगर मेरे बाल लंबे होते, कपड़े लड़कियों की तरह होते, तो कोई लड़का मुझे भी पसंद करता जैसे मेरी सहेलियों को करता है। बस इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम लड़कियों की तरह बड़ी हो, और इसीलिए मैंने तुम्हें लड़कों की तरह पाला ताकि आगे जाकर ये सारी समस्याएं ना आए। लेकिन आपने अपनी बेटी के साथ गलत किया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो भी किया है सब ठीक है, और तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। अपने पापा की बात सुनकर रूपा जोर जोर से रोने लगती है। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक रूपा अपनी माँ के कमरे में जाती है और वहाँ पर जाकर अपनी माँ का मेकअप अपने चेहरे पर लगा कर देखती है। ये देख कर सुषमा बहुत इमोशनल हो जाती है। इतनी सुंदर बेटी दी है मुझे भगवान ने, लेकिन अमित की जिद के चलते मैं अपनी बेटी को बेटी बनाकर भी नहीं रख सकती। कितने अरमान थे मेरे कि उसके लंबे लंबे बालों में तेल लगाऊंगी, उसकी चोटियां गूंज कर बनाऊंगी, उसके लिए सुंदर फ्रॉक और कुर्ते लेकर आऊंगी। लेकिन अमित अपनी जिद के आगे किसी के चलने ही नहीं देते। पता नहीं कब समझेंगे। और फिर अगले दिन सुबह के वक्त, अरे जानती हो सुषमा, आज किसका फोन आया था? किसका फोन आया था? बहुत खुश लग रहे हैं आप। मेरा बचपन का दोस्त है दीपक, कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे, उसके बाद तो कभी मिलना ही नहीं हुआ। किसी काम से अपने फैमिली के साथ हमारे शहर में आया हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उन्हें घर पर क्यों नहीं बुला लेते आज शाम को? डिनर पर बुला लीजिए, उनकी फैमिली और हम सब आपस में मिलेंगे तो बहुत मजा आएगा। मैं भी तुम्हें यही कहने आया था कि मैं उसे इनवाइट कर चुका हूँ। शाम को अच्छा सा खाना बना लेना, वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आएंगे। अच्छा, तो उनका बेटा है या बेटी? यह तो मैं भी नहीं जानता, कहा ना कॉलेज के बाद कभी मिला ही नहीं उससे, और वैसे भी शाम को जब आएगा तब सब कुछ पता चल ही जाएगा। शाम को दीपक अपने बच्चों के साथ अमित के घर आता है। दीपक की बहुत खूबसूरत दो बेटियां थी, दिया और सोनिया, जो लगभग रूपा की उम्र की ही थी। दीपक की पत्नी शालिनी भी बहुत सुंदर और सुशील औरत थी। सुषमा कैसी हो? अरे वाह, तुम्हारा बेटा तो बड़ा प्यारा है। अरे नहीं नहीं, बेटा नहीं बेटी है। बेटी? लेकिन इसे देखकर तो लगता ही नहीं कि ये लड़की है। हाँ भाभी जी, देखिए ना, हमारी भी दो बेटियां हैं, दिया और सोनिया। बहुत प्यारी है जी आपकी बेटियां। मम्मी देखिए ना, दिया और सोनिया ने कितने सुंदर हेयर स्टाइल बनाई है, और इनकी फ्रॉक कितनी अच्छी है। क्या मैं इनकी तरह नहीं रह सकती? तुम अपनी मम्मी से ऐसे क्यों पूछ रही हो बेटा? तुम लड़की हो, तुम ऑफ कोर्स इस तरह रह सकती हो। क्या जरूरत है तुम्हें इस तरह लड़कों की तरह बनकर रहने की? नहीं भाई, मैंने इसे शुरू से ऐसे ही पाल पोस कर बड़ा किया है, एकदम लड़कों की तरह। और जानते हो, मेरी बेटी कमाल का क्रिकेट खेलती है। लेकिन हमें तो उसकी बातों से लगता है कि उसे लड़कियों की तरह रहना पसंद है। हाँ भाई साहब, दीपक ठीक कह रहे हैं। आज आप हमारी बेटियों को ही देखिए। मेरी बेटी दिया बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, और सोनिया कबड्डी की चैंपियन है। इतनी कम उम्र में अपने स्कूल की कबड्डी टीम की कैप्टन है वो। लेकिन इन दोनों को स्ट्रांग बनाने के लिए मैंने उनके साथ वो सब नहीं किया जो आपने अपनी रूपा के साथ किया है। लेकिन मैंने गलत क्या किया? मैंने अपनी बेटी को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई है, उसे सब कुछ दिया है जो वो चाहती है। ये आपकी गलत फहमी है भाई साहब। आपने अपनी बेटी से बेटी होने का हक छीन लिया। उसके बाद आपने जो कुछ भी दिया वो एक बेटा समझ कर दिया। जो प्यार आप उसे बेटा समझ कर देते हैं, वो बेटी समझ कर भी तो दे सकते थे ना। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने उसके लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रखी। तुम्हारी बात सही है दोस्त, लेकिन उसके अंदर की लड़की को मार कर उसकी इच्छाओं को खत्म करके तुमने उसके साथ बहुत गलत किया है। तुम उसे स्ट्रांग बनाना चाहते थे, बोल्ड बनाना चाहते थे, तो वो लड़की बनकर भी रह सकती थी। जरा पूछो अपनी बेटी से कि वो क्या चाहती है। ठीक है, तुम्हारे सामने ही पूछ लेता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी को लड़कियों की तरह रहना, मेकअप करना वगैरह पसंद होगा। यही तो आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की अमित। मैंने भी दो दिन पहले ही देखा था, हमारी बेटी
मेरे मेकअप को चेहरे पर लगाकर अपने आप को आईने में निहार रही थी। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा अमित, आप चाहे तो हमें हमारी रूपा वापस मिल सकती है, हमें उसे रूप सीम बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये लोग कुछ भी कहे, मुझे तुम्हारी मर्जी जाननी है बेटा। तुम्हें भी ऐसे ही रहना पसंद है ना, एकदम बोल्ड स्ट्रॉन्ग लड़कों की तरह कपड़े पहनकर, छोटे छोटे बाल रखकर। सॉरी पापा, आपने कभी इस बात को समझा ही नहीं, मुझे लड़कियों की तरह रहना है। और रही बात बिगड़ने की, लड़कों के साथ घूमने की, तो वो तो अगर मैं चाहूँ तो इस तरह से भी कर सकती हूँ ना, लेकिन मैं नहीं करना चाहती। बस मुझे आपकी बेटी बनकर रहना है। स्कूल के सारे लड़के मुझे रूप सिंह कहकर चिढ़ाते हैं, मैं लड़की हूँ ये बात वो जानते हैं, और इसलिए ना वो मुझे पूरी तरह अपने साथ रखते हैं और ना ही मैं पूरी तरह से अपनी सहेलियों के साथ रह सकती हूँ, क्योंकि जब मैं लड़कियों से बात करती हूँ तो वो मुझसे कहती हैं कि उन्हें मेरे अंदर से लड़कों जैसी फीलिंग आती है, इसलिए मेरा कोई दोस्त ही नहीं बनता। प्लीज पापा, मुझे लड़की ही रहने दीजिए। वाकई में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी बेटी से उसकी बेटी होने का हक नहीं छीनना चाहिए था। अच्छा हुआ दीपक और शालिनी आप लोगों ने मुझे ये बात समझा दी, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। लेकिन आज के बाद मेरी बेटी बेटियों की तरह कपड़े पहनेगी, लंबे बाल रखेगी और जो उसे अच्छा लगता है वो सब करेगी।